राजधानी दिल्ली में फिर एक नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में 13 साल की एक बच्ची रेप की शिकार हुई है। बच्ची के मुताबिक वो अपने घर से कुछ सामान लाने के लिए निकली थी, लौटते वक्त कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। उनसे बचने के लिए लड़की एक गली में छुप गई। उस गली में एक लड़का पहले से ही खड़ा था। रात होने की वजह से वहाँ काफ़ी अंधेरा था। लड़की को अकेला देख लड़के ने उसे अपने कमरे में खींच लिया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी खुद को फंसाए जाने की बात कह रहा है। पीड़ित लड़की का कहना है कि जब वो घर लौट रही थी तब उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बेटा तेरे साथ क्या हुआ था? तुमको कैसे वहां तक ले गया? हाथ पकड़े। उस समय तुम कहां से कहां जा रही थी? घर जा रही थी। घर आ रही थी। घर आ रही थी। इस मामले में आरोपी का कहना है कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है और वो वारदात की जगह उस वक्त मौजूद नहीं था। तुमने रेप किया लड़की के साथ? नहीं। तेरे ऊपर आरोप लग रहा है? क्या कहूँ मैं, घर पे भी नहीं था मैं तो अपने। हाँ। रात को 4 बजे आया हूँ मैं घर में। अच्छा। और क्या नाम है, गली में बैठे हुए थे हम। हाँ। चौक पे मुझे फंसाया जा रहा है, बस जाहिर सी ये बात है। मैं उधर गली में बैठा हुआ था, चोर के मारे एक आंटी और थी, सबूत थे मेरे पास।